कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोकसभा उपचुनाव संपन्न। समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए संगीनों के साए में पड़े वोट। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव 2019 के तहत मतदान हुआ। दरभंगा जिले के अंश भाग में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस चुनाव में लगभग 45% मतदान होने की सूचना प्राप्त हुई है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है। दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम मतदान कार्य की पल पल खबर लेते रहे और आवश्यकता अनुसार संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते रहे। 23 समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों यथा 78 कुशेश्वर स्थान अनुसूचित जाति एवं 84 हायाघाट में कुल 494 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कार्य पूरा कर लिया गया। 78 कुशेश्वर स्थान अनुसूचित जाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 46.16% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 42.75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। औसत मतदान से 45% प्रतिवेदित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सशस्त्र बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी, सेक्टर दंडाधिकारी, गश्ती सह संग्रहण दल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, विशेष जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी शामिल हैं। जहाँ लेडीज खड़ा है हो जी, लोकसभा चुनाव है, समस्तीपुर का चुनाव हो रहा है। हम लोग बूथ संख्या 33 पे मध्य विद्यालय अफजला में वोट गिराने के लिए आए हुए हैं। हम लोग अपने बारी का इंतजार बहुत देर से कर रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान हो रही है, लंबी कतार लगी हुई है। इस बार विकास के मुद्दा पे हम लोग वोट करेंगे। ये समस्तीपुर लोकसभा के उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर यहाँ 3 बूथ है, 31, 32, 33, 3 बूथ है। मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है और सुबह से देख रहे हैं कि लंबी कतार में लोग आ रहे हैं और वोट गिरा रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना ID और दिखा करके अपना जा रहे हैं। अपने पी बाजेगा तब समझ ना कि पड़ गया। दो इंच रिपोर्ट दो इंच हो गया। नहीं नहीं ऐसा इधर है, इधर है। 216 पकड़ 216
सीरियल नंबर 160 बटन दबा के पर्ची ऐसे उठा लीजिए तो पर्ची उठाइए हाथ में ले लीजिए ना पर्ची है तो उठाइए कतो सान लिए Thank you.
हो जाए। एक निकालो निकालिए हो गया रेखा देवी रिंकू देवी नाम है कार्ड कहाँ है कार्ड कहाँ है देखिए सरकार के तरफ से तो बहुत सुविधा है, जैसे कि बुजुर्ग आदमी के लिए हेल्थ चेकअप का, पानी का, बच्चे के खिलौने का, बैठने के लिए व्यवस्था है, विकलांग के लिए रैंप है, प्लस आवाज नहीं निकल आदर्श बूथ बनाया गया है। यहाँ पर सरकार का जो उपलब्धि है उसमें सब सुविधा है, पानी का व्यवस्था है, बच्चे को खिलौना का व्यवस्था है, नाश्ता पानी का व्यवस्था है, सब चीज का व्यवस्था है। देख सकते हो उद्देश्य है कि बूथ पे जो आएंगे मतदाता बूथ देने के वोट आने के लिए, तो उनको बताना है कि किधर के दो बूथ हैं, दोनों बूथ में किसके किसको जाना है।